हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप या पीसी पे या कंप्यूटर पे कैसे चला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें आपको व्हाट्सएप को किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में चलाने के लिए आपको सबसे पहले ये जो आपकी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी सारी चैट्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स जो आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं ऊपर, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लिंक डिवाइसेस का, आपको इस पे टैप करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ फ़ोन्स में यहाँ पे व्हाट्सएप वेब लिखा आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही ऑप्शंस हैं। आपको व्हाट्सएप वेब आए तो उस पे क्लिक करना है, और अगर लिंक्ड डिवाइस आए तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है यूज़ व्हाट्सएप ऑन अदर डिवाइसेस लिंक्ड डिवाइस, और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मल्टी डिवाइस बीटा। अगर आप इनका बीटा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आप चार डिवाइसेस के ऊपर अपने व्हाट्सएप को, सेम व्हाट्सएप को चला पाएंगे, मतलब चार कंप्यूटर या चार लैपटॉप के ऊपर आप उसे चला सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लिंक के डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है टू यूज़ व्हाट्सएप वेब गो टू द वेब डॉट व्हाट्सएप डॉट कॉम ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। मोबाइल में आपको इतना काम करना है। अभी हमें स्कैन करने के लिए कह रहा है, तो कौन सा बारकोड स्कैन करना है उसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप, मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। आपको यहाँ पे टाइप करना है वेब डॉट व्हाट्सएप डॉट कॉम और एंटर कर देना है। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। ये जो बारकोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस बारकोड को जो वो स्कैन करने के लिए बोल रहा था फ़ोन में, उसे यहाँ से स्कैन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्कैन करा तो मेरा जो फ़ोन का व्हाट्सअप था वो यहाँ पे खुल गया। आप यहाँ पे चैट्स देख सकते हैं, यहाँ पे सारी, कोई भी नया मैसेज यहाँ पे आएगा, कोई भी फ़ोटो भेजेगा या आपको वीडियो भेजेगा, तो आपकी यहाँ पे आप यहाँ से इजीली उससे चैट कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू चैट ले सकते हैं, किसी और से चैट करना चाहें तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर खोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से अपने व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप में चला सकते हैं या अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।